अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों? हमारे पास क्रोमियम है, हमें पता है जो पोटाशियम होता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव वन होता है, इजिकल टू पॉजिटिव वन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए कि माइनस टू होता है या नेगेटिव टू होता है, ठीक है। तो हमें पता है जो पोटाशियम का होता है वो पॉजिटिव वन होता है, ठीक है। और क्रोमियम को हम लेट एक्सपोज कर देते हैं, ये हमारे पास एक्स है, क्रोमियम दो है, टू एक्स कर लेते हैं। और बच्चों जब आप एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं तो आप प्लस का साइन शो आउट करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ऑक्सीजन के सेवन एटम है, जितने भी एटम आपने स्टार्टिंग में मेंशन करनी होती है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस टू है, इजिकल टू जीरो है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस टू है, ये प्लस टू एक्स है, और ये माइनस फोर्टीन है, इजिकल टू जीरो है। तो आप ऐसे करें, ये माइनस फोर्टीन प्लस टू, ये हमारे पास माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, इजिकल टू जीरो। ये 2x है, ये माइनस ट्वेल्व दूसरी तरफ जाके प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। तो x ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो आप देखेंगे 2 और 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x इजिकल टू प्लस सिक्स। हमारे पास जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट आ गया है वो है प्लस सिक्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा।